हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। मैं किसी भी तरह की वीडियोस बनाऊं, लेकिन इंस्टाग्राम पे पूछे जाने वाले आपके सवालों के ज़रिए जैसे ही मुझे ये फील होता है कि लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम की वजह से मेरी फ्रेंड्स डीमोटिवेट हो रही हैं, देन आई स्विच माई सेल्फ टू अ मोटिवेशनल वीडियो। क्योंकि रोज़ रोज़ एक ही रूटीन को फॉलो करते करते कई बार हम इतने फ्रस्ट्रेट, इतने इमोशनल हो जाते हैं कि अननेसेसरी नेगेटिव थॉट्स हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये तब होता है जब वर्कलोड ज़्यादा और एनर्जी लेवल लो होता है, लेकिन कई केसेस ऐसे भी हैं जहाँ कोई एक पर्टिकुलर पर्सन सबके लिए सब कुछ करते हुए भी अपनी वैल्यू नहीं बना पाता। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें लगता है कि उनकी 10 में से 7 बातों को नज़रअंदाज किया जाता है, या उनका ओपिनियन किसी के लिए कोई मैटर ही नहीं करता? टेल मी इन कॉमेंट सेक्शन। क्योंकि अगर आप ऐसा फील करते हैं, देन डेफिनेटली यू नीड टू चेंज योर लाइफस्टाइल। तो चलिए आज इस वीडियो में देखते हैं कि क्या आपको अपनी लाइफ में कुछ चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं। फर्स्ट थिंग, कोई भी सेकंड पर्सन आपकी वैल्यू कभी नहीं करेगा अगर आप खुद को वैल्यू नहीं देंगे। आपकी ब्यूटी, आपका स्टेटस या फेम आर नॉट द रीजंस टू गेट वैल्यू अमंग पीपल। क्योंकि आपके थॉट्स और उन्हें एक्सप्रेस करने का वे ही आपकी वैल्यू को बनाता या बिगाड़ता है। नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर सेल्फ, लव योर सेल्फ एज यू आर। बार बार अपनी बॉडी शेप, अपनी ब्यूटी और अपने स्किल्स को लेकर डाउटफुल होना और खुद को क्रिटिसाइज़ करते रहना एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है दूसरों के लिए इनवैल्यूएबल होने का। क्योंकि ये सब बहुत नेगेटिव साउंड करता है। एंड रिमेंबर, आप लाइफ में कभी भी कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव नहीं हो सकते जब हर वक्त आप अपने माइंड को नेगेटिव थॉट से ही फीड करते रहेंगे। अपने बारे में हमेशा पॉजिटिव कहना जहां आपको अपलिफ्ट करेगा, वही नेगेटिव वर्ड्स लगभग आपको डिस्ट्रॉय ही कर देंगे। नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, रिकग्नाइज योर पर्सनैलिटी, रिकग्नाइज योर वैल्यू। क्योंकि आप ही हैं, आप किसी का रिफ्लेक्शन नहीं हैं। जो वो कर सकते हैं आप उनसे कहीं बेहतर कर सकते हैं। ज़रूरत है तो सिर्फ खुद को जानने की, पहचानने की। लेकिन इसके ऑपोजिट, अगर आप अपने बारे में नेगेटिव जैसा कुछ नहीं सोचते, फिर भी आपको लगता है कि लोग आपकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते, तो हो सकता है सबके लिए सब कुछ करते हुए कहीं ना कहीं उनके प्रति आपका बिहेवियर ठीक नहीं है। कुछ लोगों को मैंने देखा है, वो अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन साथ ही वो उनकी लाइफ अपने अकॉर्डिंगली कंट्रोल करना चाहते हैं, और ऐसा करने के लिए वो बहुत एग्रेसिवली बिहेव करते हैं। उनके लिए किसी की इंसल्ट करना बहुत ही कॉमन है। ऐसे केस में लोग आपके सामने तो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन रियल में आप उनके लिए कोई वैल्यू नहीं रखते। हमारे अंदर क्या कमी है, हमें खुद में क्या चेंज करना चाहिए, ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। सो दुनिया को बदलने से पहले वर्क ऑन योरसेल्फ। चलिए सब कुछ ठीक है, अब शिकायत ये है कि हम सबको प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी वो हमें वैसे एक्सेप्ट नहीं करते जैसे हम हैं। तो उसके लिए पहला कदम आपका होगा, क्योंकि आप भी तो जानते हैं कि सामने वाले का बिहेवियर कैसा है। तो अगर आप उन्हें उनके बिहेवियर के साथ एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो दूसरों से ये उम्मीद रखना ना समझी है। एक बात तो पत्थर पे लकीर है कि अपने अलावा हम किसी को चेंज नहीं कर सकते। सो जितना ट्राई हम लोगों को करेक्ट करने में लगाते हैं, उसका 50% भी अगर खुद को एनालाइज करने में लगाएं, तो आपकी वैल्यू और रिलेशन दोनों ही दमदार होंगे। लोगों को उनकी गलतियां रियलाइज़ करवाने के लिए बार बार पास्ट को प्रेजेंट में लाने से माहौल तो ख़राब होता ही है, साथ ही वैल्यू तो दूर की बात है, हम लोगों की नफ़रत का कारण बन जाते हैं। सो एक्सेप्ट अदर एज दे आर, ना किसी को हर्ट करें, ना खुद को होने दें। तो ये तो थी बात उस वैल्यू की जिसमें काम करता है हमारा बिहेवियर। लेकिन अगर दिमाग में कीड़ा वो हो जो कहता है तुम्हारा स्टेटस तुम्हें वैल्यूएबल बनाता है, तो इसका इलाज कैसे करें? इसका इलाज करने के लिए मेडिसिन कोई नहीं मिलती। बस बात इतनी है कि जहाँ आप हैं, अगर आप सेटिस्फाइड हैं, तो समझ लीजिए कि आपको खुश होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जो आपके पास अवेलेबल है, उसी के साथ आप अपनी लाइफ में बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं। चीज़ों और स्टेटस से आपकी वैल्यू लगाने वाले लोग वैसे भी आपकी लाइफ में होना डिज़र्व नहीं करते। क्योंकि वो वैल्यू किस काम की जो किसी मटेरियल के होने या ना होने से कम या ज़्यादा हो जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर तो वैल्यूएबल चीज़ें हुई। आपकी थॉट्स, सेल्फ रिस्पेक्ट तो फिर ज़ीरो है।
लोगों की मेंटेलिटी आप चेंज नहीं कर सकते, बट एक ऐसी सोच जो कहती है स्टेटस से ही वैल्यू बनती है, उस सोच को निकाल बाहर करने की बजाय अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए और शो ऑफ करने के लिए अपनी 80% लाइफ हम स्ट्रेस में बिता देते हैं। ज़िंदगी बहुत ब्यूटीफुल है, इसे देखने का नज़रिया बदलेंगे तो देखेंगे कि आपके आसपास जो कुछ भी है बहुत बहुत खूबसूरत है। ज़िंदगी की खूबसूरती और बढ़ जाती है जब हम किसी के चेहरे की मुस्कान बनते हैं। एंड फॉर दिस नेवर स्टेप बैक टू सर्व एंड हेल्प पीपल, जिसकी शुरुआत अपने घर से ही होती है। फैमिली में जब आप इस तरह की सोच को डिवेलप करते हैं कि हम एक दूसरे का सपोर्ट हैं, तो घर का कोई भी मेंबर खुद को वैल्यूएबल और दूसरों को इनवैल्यूएबल नहीं समझेगा। लेकिन अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि आपके हेल्पिंग नेचर और काइंड बिहेवियर को सब इस तरह से लेते हैं कि ये आपकी ड्यूटी है, लेकिन वो भी आपकी हेल्प करें, वो उन्हें ज़रूरी नहीं लगता। इट मीन्स पीपल आर टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड, जबकि फैमिली का रिलेशन गिव एंड टेक का होना चाहिए। फिर चाहे गिव एंड टेक काम का हो या प्यार और रिस्पेक्ट का, हमारा सबके लिए हमेशा अवेलेबल रहना कई बार हमारे लिए गलत साबित हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में थोड़ा सा स्टेप बैक, से नो एंड ट्राई टू अनअवेलेबल इन समथिंग फॉर सम टाइम, देन यू विल गेट योर वैल्यू बैक। क्योंकि जब आप एब्सेंट होंगे और आपकी हेल्प के बिना किसी का काम थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा, तो ही आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आएगी। वैसे एक सोच और है जो सबको बदलनी चाहिए, और वो ये है कि हमें लगता है कि हमारे बिना काम नहीं चलता। तो कहते हैं गलत फहमियों के किस्से इतने दिलचस्प हैं, हर ईंट सोचती है दीवार मुझ पर टिकी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, किसी के बिना काम नहीं रुकता, दुनिया चलती है। बट अपनी इम्पोर्टेंस बताने के लिए और दूसरों को रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास करवाने के लिए कुछ वक्त के लिए कुछ चीज़ों से अगर हाथ खींच भी लिया जाए तो बुरा नहीं। बाकी रह गई बात आपके प्रति लोगों के नज़रिए की, तो प्लीज़ डोंट अलो पीपल्स ओपिनियन डिफाइन यू। सबका अपना माइंडसेट होता है, आपके बारे में सबकी राय अलग हो सकती है। लोगों की सोच के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू सेट ना करें। लर्न टू ट्रस्ट योरसेल्फ एंड डू नॉट फोकस ऑन नेगेटिव ओपिनियन, बिकॉज यू आर डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन। हर कोई आपकी सोच के साथ एग्री करे ये ज़रूरी नहीं, और हर किसी के अकॉर्डिंग आपको बदलना पड़े वो भी ज़रूरी नहीं। तो खुद को भी महसूस कर लिया करो, कुछ रौनकें खुद से भी हुआ करती हैं। It's your life. Say to yourself, I am beautiful and priceless. Love you all. See you in the next video. Till then, bye. Take care and stay healthy.